नमस्कार। आज का हमारा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर होता है अपना वर चुनने की स्वतंत्रता। राजा जनक जी जो थे उनकी पुत्री थी सीता जी, और उन्होंने सीता जी को अपना वर चुनने के लिए उनके लिए स्वयंवर रचित किया था। स्वयंवर में उन्होंने बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया था, और उसमें एक धनुष रखा गया था। जो धनुष बहुत सारे राजाओं ने प्रयास करने के बावजूद भी उसकी प्रत्यंचा कोई भी नहीं चढ़ा पाया था। राजा जनक की एक शर्त थी कि जो व्यक्ति या राजा या राजकुमार इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसी से वह अपनी पुत्री सीता जी का विवाह कर देंगे। ऐसी शर्त उन्होंने इसलिए रखी थी क्योंकि जब सीता जी छोटी थी तो उन्होंने यह धनुष उठा करके कहीं और रख दिया था। राजा जनक यह देखकर आश्चर्यजनक हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतना बड़ा धनुष इतनी छोटी बच्ची ने कैसे उठा लिया। तो उन्होंने सोचा कि यह कोई बच्ची जो है असाधारण है, क्योंकि सीता जी उन्हें एक खेत में जब वो बुवाई कर रहे थे तो हल के नीचे मिली थी। इसीलिए उन्होंने इनके शादी के लिए यह शर्त रखी कि जो इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा लगाएगा उसी से इनकी शादी कर दी जाएगी। स्वयंवर में रामचंद्र जी के द्वारा जब शिव धनुष टूट गया, गलती से जब वो उठा रहे थे, धनुष बहुत पुराना था और वह टूट गया। इस धनुष के टूटने का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वह ये सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और आपस से बाहर हो जाते हैं। राम जी के विनय करने पर और विश्वामित्र जी के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर के अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम जी ने बहुत ही क्रोधपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया था और उन सभी का उत्तर लक्ष्मण जी अपने व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी हुई व्यंग्योक्तियाँ, यानी कि लक्ष्मण बहुत वीर थे, राम जी भी वीर थे, लेकिन लक्ष्मण जी को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता था और उनकी जो व्यंग्य उक्तियाँ थी, व्यंग्य से भरी हुई वाणी जो थी और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति की गई है। उन्होंने जो बातचीत की उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। शुरू करते हैं हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद। नाथ संभुधनु भंज निहारा, हो ही केवो एक दास तुम्हारा। श्री राम जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आए सु काहे कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। यह सुनकर के वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवकाई करे, यानी सेवक का काम करे। अरे करनी करी करे आई लड़ाई, लेकिन तुमने तो शत्रु का काम करा है, शत्रु का काम जो करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनव राम जेही शिव धनु तोरा। रामचंद्र जी को कह रहे हैं परशुराम जी कि हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की एक अलग कहानी है जिसमें परशुराम जी का सहस्त्र बाहु जी के साथ युद्ध होता है और उन्हें हरा देते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु है, उसी प्रकार शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति भी मेरा शत्रु है। सो बिल गाव बिहाई समाजा, वह जिसने शिव धनुष तोड़ा है अब समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जही सब राजा, अन्यथा जितने भी राजा यहाँ उपस्थित हैं सब मारे
जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी। मुनि के ये बातें सुन करके, ये वचन सुन करके लखन जी मुस्काए, बोले पर शुद्ध रही अव माने, और बोले कि परशुराम जी का उन्होंने अपमान किया। परशुद्ध रही माने उनका, परशुराम जी का उन्होंने अवमान किया, अपमान किया। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हे स्वामी बचपन में, लरिकाई यानी बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। का बहु न असिरीस की नी गोसाई, किंतु आपने तब तो ऐसा कभी भी गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही है तो, इसी धनुष पर आपकी इतनी अधिक ममता क्यों है। सुनिए रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह बात सुन करके, भृगुवंश के थे जो परशुराम जी, तो उन वो जो थे उनको गुस्सा आ गया और कहने लगे, हे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजपुत्र यमराज के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। धनु ही समत त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष क्या धनु ही के समान है? क्या तुमने जो धनुइयाँ तोड़ी थी, छोटी छोटी धनुष तोड़े थे, वो क्या शिव जी के धनुष के जैसे ही हैं? अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को धनु ही कहना तुम्हारी सबसे बड़ी खुराफात है, यानी तुम्हारा दुस्साहस है। दूसरे पद में लखन ने कहा, हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव हमारे लिए जितने भी धनुष हैं वो सब समान हैं, हमारे मन में उनके लिए कोई अंतर नहीं है। काछति लाभ जून धनु तोरे, हमने क्या नुकसान कर दिया जो हमने यह पुराना सा धनुष तोड़ दिया। देखा राम नयन के भौरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझने से धोखे से देख लिया था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, क्योंकि यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, रघुपति यानी श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोषु, हे मुनि आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। बोलई चितई परशु की ओरा, परशुराम जी ने परशु की देखा और देखा, परशु यानी उनका फरसा जो था उसकी ओर देखकर कहा, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालक बोले बधौ नहीं तोहे, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाने ही मोहे, क्या तुम मुझे केवल मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे बहुत क्रोध आता है, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं विश्व प्रसिद्ध हूँ और मैंने हमेशा क्षत्रिय कुल का नाश किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु केनी, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूप यानी राजा, सब राजा जो थे वो मार डाले हैं और भूमि को बिना राजाओं के कर दिया है। विपुल बार मही देवन है दी नहीं, और सहस्त्र बाहु को मैंने, जो मुझे ये काटने का फरसा जो मिला है वो फरसा मुझे देवों ने दिया है। सहस बाहु बुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काट देने वाले इस फरसे को देखो। विपुल बार परशु बिलो की महिप कुमारा, इस परसे को देखो हे महिप कुमार यानी हे राजकुमार, मेरे इस परसे को देखो। मातु पितही जनि सोच बस, कर सि महिष किशोर, तुम अपने माता पिता की सोच लो और उन्हें तुम चिंतित कर दोगे हे किशोर। हे बच्चे
तुम अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण बनोगे। गर्भिण के अर्पक जलन परशु मोर अति घोर, मेरे परसे से तो गर्भ के बच्चे जो हैं या जो मेरे दुश्मन हैं उनका भी नाश हो चुका है और वो भी मुझसे डरते हैं। बेहसी लखनु बोले मृदुवाणी। फिर लक्ष्मण जी हंस कर मधुर वाणी बोलते हैं, अहो महाभट मानी, हे मुनिवर, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, मुझे किस लिए बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखाते हो, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, या तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, हम कोई कुम्हाड़े का फूल नहीं है या कोई छोटा सा फल नहीं है, जो आपकी जो तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी एक अंगुली को देखते ही मर जाएगा, देखी कुठारू सरासन बाणा, आपके कुल्हाड़े और आपके धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित मैंने कहा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो कुछ अभिमान से कहा ही नहीं। रघुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, मैंने तो ये सोच लिया कि आप भृगु ऋषि जी के पुत्र हैं और आपका जनेऊ देखकर मैंने जान लिया कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कह वो सहो ऋषि रोकी, इसीलिए मैंने अपना गुस्सा जो है ऋषि यानी गुस्सा रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि हम देवताओं पर और हरिजन यानी भगवान की पूजा करने वालों पर, गाय पर और महिसुर पर हमला नहीं करते हैं, उन पर हम कभी भी जो है गुस्सा नहीं करते हैं। महिसुर यहाँ पर ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल में ऐसा कोई रीत नहीं है कि हम देवताओं को, ब्राह्मण को और हरिजन को और गाय पर कोई हमला या उन पर गुस्सा प्रदर्शन करें। हमरे कुल इन्हा पर न सुराई, इन पर हम कोई अपना अभिमान या गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं, वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। सुर होता है वीर और सुराई होती है वीरता। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारता हूँ पाप पर यही तुम्हारे, और हम अपनी अपकीर्ति से डरते हैं और इनको यदि हम मारेंगे तो हम अपनी हमारी अपकीर्ति होगी, इसलिए मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, इसलिए मुझे आपके पाँव ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ ठहराऊ धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विलो की अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धीर, हे महामुनि आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष प्रभु बांस मणि बोले गिरा गंभीर, और यह सब बात सुन करके परशुराम जी को बहुत और भी अधिक क्रोध आ गया और वो अपनी गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, हे मंद बुद्धि के बालक सुनो, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि है, कुबुद्धि है और कुटिल है। कुटिलु काल बस निच कुल घालकु, क्या तुम अपनी कुटिलता के वश होकर अपने कुल का घात करना चाहते हो या अपने कुल का नाश का कारण बनना चाहते हो। भानु वंश राकेश कलंकु, यह तो भानु वंश यानी सूर्य वंश के का कलंक है। निपट निरंकुश निबधु अशंकु, यह बहुत ही निरंकुश है यानी इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, यह मूर्ख है और उद्दंड और निडर है। कालक बलु होई क्षण माही, तुम काल कवलित हो जाओगे एक क्षण में ही, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
कहाँ पुकारी खोरी मोहिनाही। यानी कि तुम मुझे बताओ कि बाद में फिर मुझे दोष मत देना, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमाऊ हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, यदि तुम्हें बचना है तो बच लो। कही प्रताप बल रोस हमारा, तुम मुझे हमारा गुस्सा नहीं जानते। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, फिर लखन कहते हैं हे मुनि आपका सुयस कौन वर्णन कर सकता है, यानी आपका तो बहुत यश है, आपका बहुत नाम है, तुम्हारी अक्षत को वर्ण ही पारा। आपने तो कई प्रकार से अपने जो मुंह से अपनी करनी है उसका वर्णन कर दिया है, जो जो काम आपने किए हैं। अपने मुंह तुम आप ही नहीं करनी, अपने ही मुंह से अपनी ही तारीफ कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और आपने अनेक बार अपनी तारीफ कर ली है, अपनी बड़ाई लगा ली है, अपनी बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं। नहीं संतोष ता पुण्य कछ कहाऊ, फिर भी आपने इतना सब कुछ कह लिया है फिर भी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। जिन्हें रीस रोग की दुसह दुख सहो, और मैं तो केवल अपना जो है गुस्सा जो है उसको रोक रखा है मैंने। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, तुम वीर हो, आप शूरता का कार्य करते हो, लेकिन आपको इस तरह से शोभित आप शोभित नहीं हो रहे हो, गाली देते हुए आपकी शोभा नहीं हो रही है। गाली देत न बाहु शोभा, यानी आप गाली दे करके आपकी कोई अच्छी बात नहीं है। सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, जो खुद होते हैं वीर वो कभी भी अपनी तारीफ नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु, जो वीर होते हैं वो तो अपना कभी भी प्रताप होता है उसका वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका तो वर्णन अपने आप ही दिख जाता है। युद्ध में जो वो काम करते हैं उससे उनका पता चल जाता है कि कितना वो वीर है। तुम्हें तो कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। वो कहते हैं कि तुम्हें तो मैं मार ही दूं और तुम मुझे बार बार उकसाते हो मारने के लिए। और लक्ष्मण जी के वचन सुन करके उन्होंने अपना फरसा हाथ में लिया और उठाते हुए बोले कि अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और कहा कि अब लोग मुझे दोष नहीं देने वाले। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार इधर कर धोरा, यानी उन्होंने अपना पर्स उठाया और कहा कि अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, अब मुझे कोई लोग दोष नहीं दे सकते हैं। कटुबादी बालकु बद जोगु, ये तो बालक बद जोगा ही है, मारने जोगा है, बद जोगु यानी मारने जोगा है, कटुवादी यानी कटु वचन बोलने वाला। बाल विलोकी बहुत मैं बाँचा, मैंने तो इसे बच्चा समझकर बहुत देख लिया, अब यह मरनी हारी फांसाचा, अब तो यह मरने ही वाला है, मरने ही योग्य है और इसके मरने का टाइम आ गया है। कौशिक कहा क्षमियु अपराधु, तब गुरु विश्वामित्र जी, कौशिक यानी विश्वामित्र जी कहते हैं कि बच्चे का अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गन ही न साधु, बालकों के दोष को गिनना नहीं चाहिए, साधु लोग बालकों के दोष नहीं देखा करते हैं। खरे कुठार में अकुरन को ही, और परशुराम जी बोले मेरा तीखा धार का फरसा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने गुरुद्रोही है और अपराधी खड़ा है। उत्तर देते छोड़ाऊ बिनु मारे, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। केवल कौशिक सील तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे विश्वास पर ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटे कुठारे कठोरी, अन्यथा यह मेरे कुल्हाड़े का अभी भाजन बन जाता, यानी मैं इसे अभी काट कर ऋण मुक्त हो जाता,
गुरही उरिन होते हूँ शम थोरे, और मेरे लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं था। गादी सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूछ। यह सुन करके विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंस करके कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अय में खांड न उखमय अजहु न बूझ अभूज, अर्थात सभी जगह विजयी होने के कारण वो राम जी को और लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय ही मान रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। पर यह तो लोहे से बनी हुई खांड है, गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाती है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं दोनों बालकों के। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसारा, आपको तो सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भयनी के, हमारे तो माता पिता जो हैं उरिन हो चुके हैं, यानी अब उन पर कोई ऋण नहीं है। गुर रिनू रहा सोचु बड़ जी के, अब गुरु का ऋण आप पर रह गया है जिसका आपके मन पर बड़ा बोझ है और आपको उसकी चिंता सता रही है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, और वह आपको हमारे ही माथे बढ़ना था क्या। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, बहुत दिन चले गए हैं और अब आपको इसमें ब्याज भी बढ़ गया है। ये जो ऋण था आप हमसे चुकाना चाहते हैं और आपके जो हैं अब उस पर आपने ब्याज भी लगा दिया है। अब आनिए व्यवहार या बोला, और अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके उधार चुका दूँ। सुनी कटु वचन कुठारे सुधारा, फिर से उन्होंने अपना फरसा उठा लिया। लक्ष्मण जी ने जब ये बोला, हाय हाय सब सभा पुकारा और पूरी सभा में हाहाकार मच गई। रघुवर परशु देखा प्रभु मोही, और सारी सभा में हाय हाय कर मचने के साथ ही लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु विप्र विचारी बचहुं न प्रदोही, मैंने आपको ब्राह्मण समझ करके अभी तक बचा रखा है। मिले न कबहू सुभट रण घाड़े, कभी आप मुझे युद्ध में मिलिए और आपको या मेरे जैसे वीर मिले नहीं होंगे। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कहे सभु लोग पुकारे, सभी लोग कहने लगे कि यह अनुचित है अनुचित है। रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे, तब रघुकुलपति श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतरे आहुसी सरिस रघुपर कोप कृषानु, लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान थे परशुराम के क्रोध की अग्नि को और बढ़ा दिया। और इस प्रकार श्री राम जी ने अपने शीतल वाणी से बढ़त दे कि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, शीतल वाणी से उन्हें शीतल किया और चुप करवाया। इस प्रकार से यहाँ श्री राम का शीतल स्वभाव प्रतीत हो रहा है और लक्ष्मण जी का गुस्से वाला स्वभाव प्रतीत हो रहा है।